बासमती के 31 ग्राम पंचायतों के 10 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इसको लेकर पंचायती राज चुनावों के बिगुल बज चुका है। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार भी जोरों से किया जा रहा है। खाजवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 40 के वाईडी में भी 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतदाता अभी से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उनका कहना भी है कि ऐसी सरकार चुनेंगे गांव की, ताकि गांव का विकास कार्य भी करवाए जा सके। हमारे साथ 40 के वाईडी के अनेक मतदाता भी, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आने वाले 10 अक्टूबर को किस तरीके का सरपंच चाहिए। वो गांव की सरकार चुनेंगे तो उनके आगे बड़ी समस्या भी रहेगी, ताकि वो उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, चिकित्सा व बहुत सारी समस्या उसका निर्धारण भी करवा सकें। 10 अक्टूबर को आप गांव की सरकार चुनेंगे, किस तरीके का सरपंच चाहिए आपको? जो समस्या को लेकर समाधान करता हो, जैसे पानी, बिजली, लाइट, चिकित्सा, ऐसी क्या समस्या है जिसे आप आने वाले सरपंच से उम्मीद करते हैं कि उसका कार्य प्रमुखता से करवाया जा सके? जैसे पानी हो और चिकित्सा हो और जैसे रोडों का ऐसा काम। ग्रामीणों का कहना है कि चिकित्सा, शिक्षा और सड़कों का अभी भी काम कुछ बाकी है पंचायत के अंदर, ताकि ऐसे सरपंच हमें चाहिए। 10 अक्टूबर को होने वाले मतदान के अंदर ऐसे सरपंच का हम निर्वाचित करेंगे जो अनेक जो समस्याओं से जूझ रही है ग्राम पंचायत, उसका विकास कार्य करवाया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर सरपंच उम्मीदवार रविंदर जी कसवा हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं, कोविड-19 एक बड़ी महामारी है, एक बड़ी चुनौती है सरपंच उम्मीदवारों के लिए भी, किस तरीके से आप अपील करते हैं मतदाताओं से? कोविड-19 के लिए हम मतदाताओं से पूर्णतः अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें। कोविड-19 एक महामारी है, इससे बचने के लिए हर मतदाता को हम जागरूक कर रहे हैं। 40 केवाईडी के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी समस्या भी नज़र आ रही है, क्या प्राथमिकता रहेगी आप, ताकि पंचायत के विकास के कार्य को नया आयाम आप स्थापित कर सकें? 40 केवाईडी ग्राम पंचायत में जो भी समस्या है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सभी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करेंगे और अच्छी और सच्ची सोच के साथ में 40 केवाईडी ग्राम पंचायत का हम पूर्णतः विकास करेंगे। 40 केवाईडी ग्राम पंचायत सिंचित इलाके की ग्राम पंचायत है, IGNP के अंतिम छोर पर बसी ग्राम पंचायत है। आज भी डाट कवरिंग, नहरों में अंतिम छोर पर पूरा पानी नहीं पहुँचना, ये भी एक बड़ी समस्या रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये 40 केवाईडी ग्राम पंचायत टेल की ग्राम पंचायत है, नहर का अंतिम छोर का क्षेत्र है। इसके बारे में नहर, माइनर और खाड़ा की जो डाट कवरिंग है, उसकी हम पूर्णतः ध्यान रखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी सोच के साथ में नहर का काम करेंगे और माइनर का काम करेंगे, जिससे टेल के किसान को पूरा पानी मिल सके। 34 केवाईडी से आप दो बार सरपंच रह चुके हैं, 2010 में भी आप सरपंच थे, 2015 में भी आप सरपंच आप थे, 2020 में आप 34 केवाईडी ग्राम पंचायत से अलग हुई 40 केवाईडी से अब अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो आपका विकास कार्य करवाना ग्रामीणों की एक जरूरी बन गया है, आपकी ऐसी प्राथमिकता जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आज बालिकाओं को कहीं भी शिक्षा नज़र नहीं आ रही है, स्कूल कर्मोन्नत नहीं हो रहे हैं, तो इसको संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हम बालिका स्कूल का कर्मोन्नत करवाएंगे और 40 केवाईडी में कोशिश करेंगे कि बालिका स्कूल का हो, उसका निर्माण हो, और हम पूर्णतया कोशिश करेंगे एक अच्छी और सच्ची सोच के साथ में कि शिक्षा का विशेष तौर से जोर दिया जाए। पहले मैं 5 साल 34 केवाईडी रहा, उससे पहले मैं 5 साल 34 केवाईडी और 40 केवाईडी के साथ रहा, तो 40 केवाईडी हमारे साथ में थी, हमने पूरा विकास किया, अच्छी स्कूलों में, सभी स्कूलों में मैंने मेरी तरफ से जितना भी हो सका उतना सुविधाएँ उपलब्ध करवाई, और सभी स्कूल जैसे 40 केवाईडी, 34 केवाईडी, अलादीन, सभी पहले स्कूल हमारे मिडिल था, 34 केवाईडी का हमने सीनियर स्कूल करवाया, 40 केवाईडी का भी सीनियर हो गया है, पहले 8वीं था, उसके बाद 10वीं हो गया, अभी सीनियर हो गया। सभी स्कूलों में शिक्षा के प्रति हम पूर्णतया ध्यान देंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक बसी ग्राम पंचायत 40 केवाईडी आज भी शुद्ध पेयजल कहीं भी उपलब्ध नहीं नज़र आ रहा है। हमारे कार्यकाल से पहले यहाँ कोई पेयजल के बारे में कुछ नहीं बना हुआ था, तो जब मैं पिछली योजना में सरपंच बना था उस टाइम हमारे यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने 31 केवाईडी में पनघट योजना लागू की, 40 केवाईडी में पनघट योजना बनाई और हमें 34 केवाईडी में पनघट योजना बनाई। तो हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्रामीण को प्रत्येक ढाणी में एक स्वच्छ और शुद्ध पेयजल मिले, तो हम पूर्णतया कोशिश करेंगे कि हमें शुद्ध पेयजल मिले।
10 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव होने हैं, गांव की सरकार बनेगी, शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सभी मतदाताओं से अपील करेंगे शांतिपूर्वक मतदान करें, किसी के साथ में कुछ अव्यवहार नहीं करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि कोविड-19 ये एक महामारी चल रही है, उसका विशेष ध्यान रखें। और सभी मतदाताओं को अपील करेंगे अच्छी और सच्ची सोच के साथ में वोट डालें और अच्छा कैंडिडेट चुनें। बिल्कुल, ये थे सरपंच उम्मीदवार रविंद्र जी कसवा। इनका कहना है कि कोविड-19 एक महामारी है, इसे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस व मास्क जरूरी है। मतदाताओं से अपील करते हुए इन्होंने कहा है कि 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के दिन शांति व्यवस्था भी बनाए रखें। हालांकि कई समस्याओं से आज भी ग्राम पंचायत जूझ रही है, इसके लिए इन्होंने शुद्ध पेयजल व शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने ही अपनी एक प्राथमिकता मानी है। और ये दो योजना में सरपंच रह चुके हैं तो इनका अनुभव ही है। इनका कहना है कि निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के विकास कार्य करवाए जाएंगे। कहीं न कहीं सिंचित इलाके की एक डाट कवरिंग, पक्के खालों की डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है, तो इन्होंने इसका आश्वासन भी दिया है कि निश्चित रूप से सरपंच बनने के बाद 40 KYD व नहरों के अंदर आ रही सिल्ट व 40 KYD के डाट कवरिंग का कार्य प्रमुखता से करवाया जाएगा। साथ ही भूमि आवासीय पट्टे व शुद्ध पेयजल इनका कार्य प्राथमिकता से रहेगा। टुडे टाउन टी के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।